वेलकम एवरीबॉडी टू एशियन लिटरेरी सोसाइटी जश्न आजादी डे टू। डियर फ्रेंड्स, वी आर हैविंग अ वेरी एमिनेंट गेस्ट टुगेदर अलोंग विद अस, एंड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग देम आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर टुडेज मॉडरेटर अनीता चंद जी। अनीता चंद एक प्रख्यात कवित्री हैं, इनकी कविताएं एवं लेख देश विदेश की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। आप कलम के माध्यम से नारी के विभिन्न स्वरूप, नारी प्रेम, नारी के आधुनिक बदलाव को पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं। लिखने के साथ साथ एक अच्छी चित्रकार भी हैं। आपने दूरदर्शन में स्वतंत्र रूप से स्क्रिप्ट लेखन का काम किया है। आपके द्वारा लिखे गए कई कार्यक्रम लघु फिल्म प्रसारित हो चुके हैं। आपने कई लघु रंगमंच नाटकों की पत्रिका लिखी एवं मंचित किया है। हाल ही में आपकी किताब उन्मुक्त भी आई है। तो विदाउट टेकिंग मोर फर्दर विदाउट हैविंग फर्दर डिले, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अनीता चंद जी टू काइंडली प्रोसीड विद एंड इंट्रोड्यूस आवर एमिनेंट गेस्ट ऑफ टुडेज इवनिंग। थैंक यू मनोज, थैंक यू सो मच फॉर नाइस इंट्रोडक्शन। वंदे मातरम। जश्न आजादी के शुभ अवसर पर मैं अनीता चंद एशियन लिटरेरी सोसाइटी के मन से हमारे साथ हमारे अतिथिगण और श्रोतागण आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बंकिम चंद चट्टोपाध्याय जी की दो पंक्तियां दोहराती हूँ। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम, मलयज शीतलाम सस्यश्यामलाम मातरम। वंदे मातरम। जश्न आजादी, वंदे मातरम। जश्न आजादी के इस शुभ अवसर पर हमारे साथ हमारे खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ आज की शाम को बहुत खूबसूरत बनाने के लिए श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी सर, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ममता किरण जी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। इस वर्ष 2021 में हमारा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ। इस दिन को इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया। इस दिन हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाल किले से झंडा फहराया था। उसी परंपरा को आज तक पूरा करते हुए हमारे प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष लाल किले से झंडा फहराते हैं और स्वतंत्रता सेनानी शहीदों के लिए 21 तोपों से श्रद्धांजलि देते हैं राष्ट्रगान के साथ। तो ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होकर चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को दिल में बसाए रखना। आजादी की, जश्न आजादी की इस शाम को मैं हमारे साथ हमारे अतिथिगण जो हैं उनका मैं संक्षिप्त परिचय देकर इस सेशन का आगाज करते हैं। श्री माननीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी एक कवि हैं, गजलकार और कमेंटेटर हैं। आप AIR आकाशवाणी में उप महानिदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। रूस, इंग्लैंड, पोलैंड, सूरीनाम आदि बहुत से देशों में हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाले कवियों में आप शुमार हैं। देश विदेश की पत्र पत्रिकाओं में आपकी कविताएं, गजलें एवं लेख प्रकाशित होते रहे हैं। आपका गजल संग्रह खुशबू तो बचा ली जाए साहित्य जगत में बहुत प्रसिद्ध हुआ। आपको विभिन्न सम्मानों से सम्मानित किया गया, जिसमें लंदन में अंतरराष्ट्रीय वातायन कविता सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली का बाल साहित्य सम्मान, राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान, भारतेंदु सम्मान आदि प्रमुख हैं। आपकी रचनाएं देश विदेश की बहुत सी
भाषाओं में अनुवादित हो चुकी हैं। सर आपका हार्दिक अभिनंदन है। जी बहुत बहुत आभार आपका। जी जी अब हमारे साथ ममता किरण जी हैं, उनका मैं संक्षिप्त परिचय देती हूँ। वैसे तो ममता किरण जी और वाजपेयी सर को परिचय की सभी जानते हैं, लेकिन छोटा सा परिचय दे करके मैं अभी आपको आज के कार्यक्रम के लिए, आगाज के लिए बुलाती हूँ। ममता किरण जी एक प्रख्यात कवित्री एवं गजलकार हैं। आपकी कविता संग्रह वृक्ष था हरा भरा एवं बहुचर्चित गजल संग्रह आंगन का सजर है। आपने लगभग 15 सालों से पत्रकारिता में कार्यरत रही हैं। आजकल स्वतंत्र रूप से लेखनी का कार्य कर रही हैं। आपकी कविताएं गजल राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। आपने रेडियो दूरदर्शन पर कविता पाठ के साथ अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में तथा दूरदर्शन के निजी चैनल पर मुशायरों में भाग लिया व अतिरिक्त कई प्रतिष्ठित स्थानों पर एंकरिंग की है। आपको सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता कविता सम्मान, साहित्य परिषद द्वारा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। आपको भारत सरकार द्वारा विदेशों में कविता पाठन के का अवसर मिला। ऑल इंडिया कवि सम्मेलन जैसे लाल किला एवं श्री राम कवि सम्मेलन में आप भाग लिया लेती रही हैं। आपको साहित्य कला के में वैली ऑफ वर्ड फेस्ट देहरादून, IAS ट्रेनिंग अकेडमी मसूरी, गालिब अकेडमी कवि में कविता पाठ करने का अवसर प्राप्त हुआ। ममता जी फ्रीलांसर, फ्रील राइटर, ब्रॉडकास्टर, न्यूज़कास्टर, बहुत सारे काम वो करती हैं और जो हर दिन एक हमें नई कविता के साथ मंच मिलती है। ममता जी मैं आपका हार्दिक बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद अनिता जी। और मैं देख रही थी कि बहुत से लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं, पुष्पा कान्याल जी जुड़ चुकी हैं और नाम चला गया प्रवीण जी, और आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ। पारुल जी आपका भी स्वागत। जी तो अब मैं आप इससे पहले अनुरोध करती हूँ कि वो आप कोई आजादी से संबंधित कोई संदेश दें। हमारे दर्शक आपको सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ममता जी आज के इस जश्न आजादी की शाम को आप कुछ जी मैं पहले एक गीत स्वागत के माध्यम से मैं जो हमारे सरहदों पर जो हमारे जवान जो तैनात हैं, जो हमारी रक्षा के लिए जिनकी वजह से हम इस तरह से ये जश्न कोई भी जश्न हो मना पाते हैं, चैन की नींद सो पाते हैं, और वो उनके मनोभाव क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने ये कार्यक्रम बहुत सुंदर आयोजित किया है, और जितने लोग जुड़े हैं उनका अभिनंदन करती हूँ। और मनोज जी बहुत जोश व खरोश के साथ लगे रहते हैं एशियन लिटरेरी सोसाइटी को इस तरह से कार्यक्रम आयोजित करके उसको आगे बढ़ाने में, और इतने सारे लोगों को उन्होंने जोड़ करके रखा है। और एक बार फिर से मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ 75वें स्वाधीनता दिवस की, और एक गीत पढ़ती हूँ उन सैनिकों की तरफ से, उनके मनोभाव क्या है, क्या मतलब भाव उनके हैं और शब्द में भी हैं, आप यूं कह लीजिए पुष्पा कान्याल जी, तो उनके भाव पकड़ने की कोशिश की है कि तमाम सारी जो रिस्क होते हैं उसके बावजूद वो सीमा पर तैनात होते हैं, तो कौन सा वो जज्बा होता है जो वो वहां पर तैनात होते हैं। और ये पढ़ती हूँ मैं ये गीत उनकी तरफ से कि हम रक्षक हैं सरहद के फौलादी सीना रखते, हम रक्षक हैं सरहद के फौलादी सीना रखते, संकल्प यही है अपना दुश्मन को धूल चटाना, हम रक्षक हैं सरहद के फौलादी सीना रखते। बंद पढ़ती हूँ सुनेगा कि हर हरकत हर हलचल पर पैनी निगाह रखते हैं, हर हरकत हर हलचल पर पैनी निगाह रखते हैं, दुश्मन के षड्यंत्रों को
पल में तबाह करते हैं, अपनी आदत में है शामिल हर खतरे से चकराना, अपनी आदत में है शामिल हर खतरे से टकराना, संकल्प यही है अपना दुश्मन को धूल चटाना। दूसरा बंद पढ़ती हूँ कि धरती है माता अपनी तो अंबर है पिता हमारा, धरती है माता अपनी तो अंबर है पिता हमारा, कुर्बान किए रिश्ते नाते बनकर तुम सबका सहारा, सदा लिए रहते पोजीशन चूक न जाए निशाना, सदा लिए रहते पोजीशन चूक न जाए निशाना, है काम यही बस अपना दुश्मन को धूल चटाना, हम रक्षक हैं सरहद के फौलादी सीना रखते। बंद सुनेगा कि चाहे जल थल या नभ हो, चाहे जल थल या नभ हो, निगरानी पर हम रहते, कैसी भी कठिन परिस्थिति हो उपजरा नहीं हम करते, कैसी भी कठिन परिस्थिति हो उपजरा नहीं हम करते, लेकर जान हथेली पर दुश्मन से है भिड़ जाना, लेकर जान हथेली पर दुश्मन से है भिड़ जाना, संकल्प यही है अपना दुश्मन को भूल चटाना, हम रक्षक हैं सरहद के फौलादी सीना रखते। और अंतिम बंद पढ़ती हूँ, देखिए क्या है, सुनेगा कि एहसान नहीं करते तुम पर कर्तव्य यही है मेरा, एहसान नहीं करते तुम पर कर्तव्य यही है मेरा, गर्वित है सीमा पर रहकर है यही पे शाम सवेरा, गर्वित है सीमा पर रहकर है यही पे शाम सवेरा, आपकी रक्षा को चाहे और जाए प्राण गवाना, कि आपकी रक्षा को चाहे पर जाए प्राण गवाना, संकल्प यही है अपना दुश्मन को धूल चटाना, हम रक्षक हैं सरहद के फौलादी सीना रखते, हम रक्षक हैं सरहद के फौलादी सीना रखते। जी बहुत है, बहुत बहुत खूब, बहुत सुंदर और मार्मिक की हमारे जो जवान इतना दूर रहते हैं और उनके लिए हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन वो हमें कितनी सुरक्षा में रखते हैं, तो बहुत सुंदर शब्दों में आपने पिरोया है भाव को। और अब आप कुछ आप ही सुनाएंगी, नहीं तो हम सर से सुनते हैं, अब आप दोनों से हम अलग अलग सर से सुनिए सर, क्योंकि हम थोड़ा सा भी समय नहीं गवाना चाहते, हम चाहते हैं कि पूरा जो मतलब जितना भी समय है आपसे सुन लिया जाए जितना हो सकता है। सर से मैं आग्रह करती हूँ कि सर कुछ सुनाइए आप आज, बहुत ही सुंदर और शुभ दिन है। जी बिल्कुल, तो एक तो सबसे पहले सभी को स्वाधीनता 75वें स्वाधीनता दिवस की और 74वीं वर्षगांठ की, बहुत से लोग ये गड़बड़ कर रहे हैं उसको 75वीं वर्षगांठ 75वीं सालगिरह बता रहे हैं, थोड़ा वो थोड़ा सुधार करना चाहिए हमें, 75वां स्वाधीनता दिवस है, 74वीं वर्षगांठ है, अमृत महोत्सव की शुरुआत हो जाएगी 15 अगस्त 2022 में 75वीं वर्षगांठ बन जाएगी। तो बहरहाल जिनकी वजह से आज ये 15 अगस्त हम देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम उनको और उनका स्मरण करते हैं और कविता के जरिए करते हैं। अब मैंने एक काम ये किया है कि हमारी युवा पीढ़ी ये कैसे जाने कि आजादी की लड़ाई में क्या जज्बात थे, क्या भावनाएं थी, किसे कैसे बलिदान दिए गए, तो मैंने कुछ घटनाओं को छंद में ढाला है, 2-3 साझा करता हूँ सिर्फ। सबसे पहले 1857 की घटना, और घटना ये है कि हमारे 1857 का जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम है उसके जो नायक है बहादुर शाह जफर, तो उनके एक अंग्रेज अफसर एक थाल में उनके सामने
कहता है कि ब्रिटिश सरकार ने आपके लिए दो फूल भेजे हैं, और वो दो फूल क्या होते हैं, उनके दो बेटों कटे सिर ताकि उनका मनोबल टूट जाए। तो ये घटना है, मैंने इसको छंद में डाला है, सुनिएगा। कि तोहफे में कटे शीश बेटों के जो पेश किए, कहा आप दोनों को ये एक एक फूल है, एक आपके लिए, एक आपकी बेगम के लिए। कि तोहफे में कटे शीश बेटों के जो पेश किए, कहा आप दोनों को ये एक एक फूल है। चौंके तो जरूर किंतु शांत होके बोले जफर, चौंके तो जरूर किंतु शांत होके बोले जफर, हरकत आपकी ये बेहद फिजूल है। और देश के लिए हुए हैं कुर्बान बेटे मेरे, और कुर्बानी देना अपना उसूल है। देश के लिए हुए हैं कुर्बान बेटे मेरे, और कुर्बानी देना अपना उसूल है। और जंग ये रहेगी जारी, बोल दो ये लंदन को, हमें आपका ये प्यारा तोहफा कबूल है, हमें आपका ये प्यारा तोहफा कबूल है। तो ये तो 1857 की बात थी। और एक छंद हमारा जो मुख्य स्वाधीनता संग्राम है, जो 1947 तक चला, तो एक घटना वहां से लेता हूं मैं। देखिए हमारी जो भारतीय नारियां हैं उनका चरित्र देखिए आप, तो ये एक छंद है, सच्ची घटना है, उसको मैं आपसे साझा करता हूं। घटना 9 अगस्त 1942 मुंगेर की है, छंद सुनिएगा। कि पतिव्रता पत्नी भी साथ चली, पति ने तिरंगा फहराने को कदम जो निकाला था। ये पति के हर आंदोलन में, हर जुलूस में, हर अनशन में, सब जगह 24 घंटे साए की तरह स्वाधीनता संग्राम में साथ निभाती थी। तो उसकी कहानी है कि पतिव्रता पत्नी भी साथ चली, पति ने तिरंगा फहराने को कदम जो निकाला था। फहराते ही तिरंगा ब्रिटिश सिपाहियों ने पति का शरीर गोलियों से भून डाला था। और पति की लहू लुहान देह लड़खड़ाई जब, हाथ से तिरंगा बस गिरने ही वाला था। पति की लहू लुहान देह लड़खड़ाई जब, हाथ से तिरंगा बस गिरने ही वाला था। देशभक्त कितनी महान थी पतिव्रता की, देशभक्त कितनी महान थी पतिव्रता की, पति से भी पहले तिरंगे को संभाला था, पति से भी पहले तिरंगे को संभाला था। ये मैंने दो छंद आपसे साझा किए। जी जी जी, बहुत ही मार्मिक है। और देशभक्ति कैसी, मतलब कि पति सामने है लेकिन झंडा पहले है। और बहादुर शाह जफर जो उनके उनके भी एक ऐसा कैसा रहा होगा वो समय, जब बेटे बेटों का सर सामने देखा। तो आपने इतनी इतनी दो और इतनी ऐसी बातें बताई जो हमें, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होंगी या पता भी होंगी तो वो आज और अच्छे से समझ पाएंगे। बहुत सुंदर छंद थे आपके सर। ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। तो ममता जी अब आप कुछ सुनाइए। अच्छा, आप नहीं सुनाएंगे, आप भी सुनाइए, मैं बाद में सुनाऊंगी। आज जो है दर्शक आप ही के लिए है, और आप आपके पास इतना खजाना है, गजल जी है, गीत है, छंद है, तो बहुत कुछ है। जी जी, तो अनुकृता खजांची जी, मणिषक सक्सेना जी, पाल तोमर जी, और शिवप्रिय श्रीवास्तव जी, और ये सब आप लोग जुड़े हुए हैं, तो आपका बहुत अभिनंदन करती हूँ। और एक बार फिर से आप सबको बधाई देती हूँ। देखिए 75वां स्वाधीनता दिवस हम मना रहे हैं, लेकिन इन 75 वर्षों में जो जिसको कहते हैं कि जो भारत बनना चाहिए, मैं अपने शेर के माध्यम से कहती हूँ कि जैसे भारत का शहीदों ने था सपना देखा, कि जैसे भारत का शहीदों ने था सपना देखा, ये जो भारत है ये उस ख्वाब की ताबीर नहीं, कि ये जो भारत है ये उस ख्वाब की ताबीर नहीं। तो इन 75 सालों में हमने निश्चित रूप से बहुत कुछ पाया है, लेकिन फिर भी जो जज्बा लेकर के और जो हमारे
लोगों ने कुर्बानियां दी हैं और जैसा उन्होंने स्वप्न देखा था वैसा भारत तो अभी नहीं बन पाया है। नहीं बन और उसी भारत को बनाने के लिए हमें बहुत कुछ करना है। और वालिद ने कहा था कि हमें दुनिया से गर पाई भी फुर्सत सर उठाने की, तो तब भी एक आम आदमी का जीना दुभर था और आज की जो स्थितियां हैं आज भी एक आम आदमी का जीना बहुत दुभर है। तो मैं यहीं से एक गजल के कुछ शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। हमें दुनिया से गर पाई जो फुर्सत सर उठाने की, हमें दुनिया से गर पाई जो फुर्सत सर उठाने की, तो फिर कोशिश करेंगे हम भी कुछ कुछ मुस्कुराने की, तो फिर कोशिश करेंगे हम भी कुछ कुछ मुस्कुराने की। और शेर पढ़ती हूँ सुनेगा, कि बशर के बीच पहले भेद करते हैं सियासतदान, बशर के बीच पहले भेद करते हैं सियासतदान, जरूरत फिर जताते हैं किसी कौमी तराने की, जरूरत फिर जताते हैं किसी कौमी तराने की। अशेर पढ़ती हूँ सुनिएगा, कि वतन की नींव में शामिल है मिट्टी जिन शहीदों की, वतन की नींव में शामिल है मिट्टी जिन शहीदों की, कभी तुम भूल मत करना उन्हें ही भूल जाने की, कभी तुम भूल मत करना उन्हें ही भूल जाने की। और ये शेर पढ़ती हूँ सुनेगा, कि नगर में जब से बच्चे रह गए और गांव में दादी, नगर में जब से बच्चे रह गए और गांव में दादी, लगाए कौन फिर आवाज परियों को बुलाने की, लगाए कौन फिर आवाज परियों को बुलाने की। अरे इस गजल का अंतिम शेर पढ़ती हूँ सुनिएगा, कि जलाओगे दिए तूफान में अपने हौसलों के घर, जलाओगे दिए तूफान में अपने हौसलों के घर, कोई आंधी नहीं कर पाएगी हिम्मत बुझाने की, कोई आंधी नहीं कर पाएगी हिम्मत बुझाने की, हमें दुनिया से गर पाई भी फुर्सत सर उठाने की, तो फिर कोशिश करेंगे हम भी कुछ कुछ मुस्कुराने की। जी बहुत बहुत सुंदर, बहुत भाव इसमें, इतने सारे भाव छुपे हैं। अंग्रेजी हुकूमत ने देश को बेड़ियां पहनाई, एक हुए दीवाने देश के, सब एक हो गए, आजादी की अलख जगाई सबने, लाठी ऐनक वाले ने सत्याग्रह ऐसा छेड़ा, अनगिनत बलिदानों के बाद देश विदेशियों ने छोड़ा।
यहाँ पर जो आपने कहा कि अभी हम वैसे नहीं हुए हैं जैसी आजादी की आजादी हमें मिली थी, हम वैसे नहीं हुए, तो जैसे मैंने पढ़ा कि आजादी जिस जब मिली तो आजादी नहीं कहा कि अभी मैंने अपना काम पूरा किया, लेकिन ये राह दिखाना तुम्हें है। तो वही जो इतने सालों से चल रहा है, आजादी तो मिल गई, कुछ हम भटक गए और कुछ सीधे राह पे आ गए, तो अभी इस मझधार में है। कभी लगता है बहुत अच्छा है, बहुत तरक्की, और कभी लगता है कि जो है बहुत कुछ खराब हो रहा है। सर कुछ आप सुनाइए सर, आजाद बहुत जी सर, आपसे आग्रह करते हैं। आजादी जब हमें मिली थी, इसमें कोई शक नहीं कि आजादी जब मिली थी 90% लोग जो है वो गांव में थे, निरक्षर थे, तरह तरह के अंधविश्वास थे, और महिलाओं को तो ड्राइंग रूम, बड़े शहरों को छोड़ दीजिए, महिलाओं को तो अपने घर के ड्राइंग रूम तक आने की इजाजत नहीं थी, इतना पर्दा था, सब कुछ था, बहुत कुछ। तो बहुत कुछ हमने हासिल, 30-35 साल की उम्र थी, मतलब उसे एवरेज एज जो थी वो 30-35 साल थी, आज तो 70 के आसपास पहुंच गई है। इतनी महामारियां होती थी, लोग लाखों लोग मर जाते, हैजा प्लेग वगैरह, तो बहुत कुछ हमने हासिल किया। अंतरिक्ष में टॉप 10 में हम हैं, बहुत सारी बातों में दुनिया में, लेकिन यह है कि एक बहुत विशाल देश है और बहुत सारी समस्याएं अभी भी बाकी है। वो जो बाकी है उसी पे मैं एक गीत सुनाता हूँ और सीधे सीधे ही सुनाता हूँ कि जहां अंधेरे अभी शेष हैं उजियारों की पौध लगाएं, जहां अंधेरे अभी शेष हैं उजियारों की पौध लगाएं, फिर से कुछ संकल्प सजाएं, फिर से कुछ संकल्प सजाएं। क्या संकल्प होने चाहिए कि जिनका जीवन लाचारी की कड़ी धूप का कठिन सफर है, जिनका जीवन लाचारी की, अभी भी करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, कि जिनका जीवन लाचारी की कड़ी धूप का कठिन सफर है, जिनका जीवन सच पूछो तो मात्र औपचारिकता भर है, ऐसे लोगों का सचमुच के जीवन से परिचय करवाएं, फिर से कुछ संकल्प जगाएं। और दूसरा अंतरा ये है कि नहीं किताबें जिन हाथों में, ऐसे करोड़ों बच्चे हैं, नहीं किताबें जिन हाथों में ढाबों के जूठे बर्तन हैं, नहीं किताबें जिन हाथों में ढाबों के जूठे बर्तन हैं, मुरझाए मुरझाए चेहरे, बिखरे सपने, टूटे मन हैं, उन नन्हे हाथों की मुट्ठी में कोई सपना दे आए, उन नन्हे हाथों की मुट्ठी में कोई सपना दे आए, फिर से कुछ संकल्प सजाए। और तीसरा अंतरा ये है कि पूजनीय होती है नारी, इसी मंत्र से हम थे दीक्षित, मंत्र की दीक्षा दी जाती है कि पूजनीय होती है नारी, इसी मंत्र से हम थे दीक्षित, उसी देश में नन्नी मुन्नी बच्ची तक भी नहीं सुरक्षित, और उसी देश में नन्नी मुन्नी बच्ची तक भी नहीं सुरक्षित, और नारी के सम्मान की खातिर रावण वध की याद दिलाएं, फिर से कुछ संकल्प जगाएं, फिर से कुछ संकल्प जगाएं। और हर दिन हमें व्हाट्सएप पे बहुत ही फूहड़ जो है घृणा के भरे संदेश मिलते हैं, किसी धर्म विशेष के विरुद्ध, किसी धर्म विशेष के लोगों के विरुद्ध। तो मेरा ये सुनिएगा, अंतरा सुनिएगा कि पूरी धरती ही कुटुंब है जिस मिट्टी से ये स्वर गूंजे, कि पूरी धरती ही कुटुंब है, परिवार है, कि पूरी धरती ही कुटुंब है जिस मिट्टी से ये स्वर गूंजे, और जहां नागरिक पशु पक्षी क्या पेड़ों नदियों तक को पूजे, जहां नागरिक पशु पक्षी क्या पेड़ों नदियों तक को पूजे, जाति धर्म के भेद के जहर, जाति धर्म के भेद के जहर वहां नहीं हरगिज घुल पाए, आओ कुछ संकल्प सजाएं, आओ कुछ संकल्प सजाएं। और अंतिम है कि अभी मंजिलें बहुत दूर हैं, राहों में अनगिन अंधियारे, अभी मंजिलें बहुत दूर हैं, राहों में अनगिन अंधियारे, राष्ट्र अगर संकल्प करे तो कौन रोक सकता उजियारे, हम विराट भारत के जन जन अपनी सोई शक्ति जगाएं, फिर से कुछ संकल्प जगाएं, जहां अंधेरे अभी शेष हैं उजियारों की पौध लगाएं, फिर से कुछ संकल्प सजाएं, फिर से। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन लगता है कि कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया है, तो कोई बात नहीं, ऐसे तो होता है, नेटवर्क भी कभी कभी साथ छोड़ देता है।
और जो है अब हमारा जो देश है जश्न आज़ादी के लिए हम यहाँ मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, और उसमें वाजपेयी सर इतने गहरे हमें एहसास करा रहे हैं कि पुराना इतिहास और नया जमाना कैसे चल रहा है। तो ये एक हमारा सौभाग्य था कि हम उनसे इतना सुनने को हमें मौका मिल रहा था। आगे देखिए वापस नेटवर्क इतना पुअर नहीं है। सर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना? नेटवर्क जो है ना कभी थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, वो भी हम लोगों को देख करके बिगड़ गया है तो तो आधुनिक भारत जैसे आपने बताया कि भारत जैसे हम हमेशा सुनते हैं पुरानी बातें नई बातें, तो उसमें हम अगर सोचते हैं कि आधुनिकता भी कोई ऐसा अच्छा ही हुआ है, तो आधुनिक काल में जो के शिल्पियों ने दिशा जो दिखाई है, अनेक लोग एक साथ कदम से कदम मिला के चले और तरक्की इतनी हुई कि मंगल ग्रह तक पहुंच गए, जो कि सपेरों का देश कहा जाता था, और उसको देखते हुए अगर हम सोचते हैं कि बहुत तरक्की है, उन्नति है, प्रगति है, जो कि विदेशों में हमारे देश का झंडा फहराया जाता है, और उस गिनती में हम कहीं पहले नंबर पे आते हैं कि हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, वो भी बहुत महान है। तो ममता जी अब आप हमें कुछ सुनाइए, आपसे आग्रह करते हैं। अच्छा मनोज जी वैसे आ गए हैं कि कार्यक्रम को समाप्त किया? नहीं, वो समाप्त करने नहीं आए, वो नेटवर्क को जगाने आए थे। तो समय भी हो रहा है, देखिए आप विदेश की बात कर रही थी, और विदेशों में जो हमारे भारतीय बसे हैं वो भले ही रोजी रोटी उनको वहां लेकर के गई है, लेकिन उनके मन में हिंदुस्तान ही बसता है, और हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपराएं हैं, उसको वो वहां पर सुरक्षित रख रहे हैं और उनको संजो रहे हैं। तो मैं उनके मन के भाव की एक छंद मुक्त कविता पढ़ती हूँ, सुनिएगा। माटी इसका शीर्षक है कि जमी आसमां चांद सितारे हवा पानी, कि जमी आसमां चांद सितारे हवा पानी सब कुछ तो एक सा है, फिर वो कौन से रंग गंध और स्वाद है या कुछ और है अज्ञात अबूझ अदृश्य जो मुझे बेचैन कर देते हैं इस सुदूर देश में। कि जमी आसमां चांद सितारे हवा पानी सब कुछ तो एक सा है, फिर वो कौन से रंग गंध और स्वाद है या कुछ और है अज्ञात अबूझ अदृश्य जो मुझे बेचैन कर देते हैं इस सुदूर देश में। अनगिनत अक्ष कौन जाते हैं कि अनगिनत अक्ष कौन जाते हैं स्मृतियों में, नानी की कहानी, गुड्डे गुड़ियों का ब्याह, सावन के झूले, झूलों की पींगे और फिर जीवन की पींगे। सब कुछ क्रमवार चलता चला जाता है चलचित्र की तरह, कि सब कुछ क्रमवार चलता चला जाता है चलचित्र की तरह, फूक उठती है अपने देश के लिए, कि हो उठती है अपने देश के लिए सालों साल इस सुदूर देश में रहने के बाद भी, कि सालों साल इस सुदूर देश में रहने के बाद भी नहीं अपना पाई इस देश की माटी को। पूछती हूँ अपने आप से कि माटी तो माटी है, कि माटी तो माटी है, आखिर माटी में ऐसा क्या है जो यहाँ की अलग और वहां की अलग, कि आखिर माटी में ऐसा क्या है जो यहाँ की अलग और वहां की अलग। मन कहता है मेरे देश की माटी में बसी है वो गंध रंग और स्वाद जो मुझे जोड़ते हैं अपने देश से, कि जो मुझे जोड़ते हैं अपने देश से, गंध मेरी जन्मभूमि की, कि गंध मेरी जन्मभूमि की, रंग अपने विस्तार के, त्योहारों के, परंपराओं के, मेलों के, रिश्तों के, स्वाद अपनी संस्कृति और संस्कारों का। कि मन कहता है मेरे देश की माटी में बसी है वो गंध रंग और स्वाद जो मुझे जोड़ते हैं अपने देश से, गंध मेरी जन्मभूमि की, रंग अपने विस्तार के, अनुभूतियों के, परंपराओं के, रिश्तों के, त्योहारों के, मेलों के, स्वाद अपनी संस्कृति और संस्कारों का। बेचैनी के इसी आलम में
कि बेचैनी के इसी आलम में जीवित होती है एक इच्छा, करती हूँ प्रार्थना उसके पूरा होने की, कि अपने अंतिम समय अपने देश की ही माटी में मिलकर खाक हो, कि अपने अंतिम समय अपने देश की ही माटी में मिलकर खाक हो। जी बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, कि इतनी दूर रह करके भी और अपनी माटी का ही एक रहता है कि हम आखिर में वहीं पहुंच जाएं, और जो नहीं भी आ सकते लेकिन दिल उनका यहीं रहता है क्योंकि सब कुछ यही है। तो सर कुछ आप सुनाएंगे या आप बताइए, आप कुछ सोच रहे हैं सर? नहीं, संदर्भ वही है तो मैं एक गजल सुनाता हूँ। समस्या क्या है कि हमने वो अंग्रेजों ने हमारे दमन के लिए जो ब्यूरोक्रेसी बनाई थी हमने उसे ज्यों का त्यों रख लिया। वो हमारी सबसे, वो चीजें लंदन में इंग्लैंड में तो मैं 2 बार गया हूँ, वो चीजें वहां लागू नहीं जो वो यहाँ लागू करके गए। उसी पर ये मेरी गजल है, जैसे मैंने कहा बहुत कुछ बदला हमारे देश में लेकिन बहुत कुछ नहीं बदला, तो जो नहीं बदला उसको लेके ये गजल है। तो वो दर्द वो बदहाली के मंजर नहीं बदले, वो दर्द वो बदहाली के मंजर नहीं बदले, बस्ती में अंधेरों से भरे घर नहीं बदले, बस्ती में अंधेरों से भरे घर नहीं बदले। और हमें तरह तरह का वो नारे वारे लगाए जाते हैं, फुसलाया जाता है, फिर वो राजनीति अपना काम करना शुरू कर देती। शेर सुनिएगा कि हमने तो बहारों का महज जिक्र सुना है, हमने तो बहारों का महज जिक्र सुना है, इस गांव से तो आज भी पतझर नहीं बदले। और क्यों नहीं बदले, सबसे जरूरी शेर इस गजल का वो सुनेगा कि खंडहर पे इमारत तो नई हमने खड़ी की, कि खंडहर पे इमारत तो नई हमने खड़ी की, पर भूल ये की नींव के पत्थर नहीं बदले, पर भूल ये की नींव के पत्थर नहीं बदले। और शेर सुनेगा कि बदले हैं महज कातिल, देखिए गांधी जी इसी बात से डरते कि ऐसा ना हो कि गोरे अंग्रेजों की जगह काले अंग्रेज आके बैठ जाए, पर हुआ ऐसा ही कि जी कि बदले हैं महज कातिल और उनके। फिर से नेटवर्क चला गया है और समय भी हमारा हो रहा है, तो मैं अपने सभी दर्शकों को का आभार व्यक्त करती हूँ कि वो हमारे साथ जुड़े रहे। और एशियन लिटरेरी सोसाइटी के फाउंडर मनोज कृष्णन, आपका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने। जी जी सर, थैंक यू सो मच अनिता जी फॉर जी कर रहा हूँ कि बदले हैं महज कातिल और उनके मुखौटे, वो कत्ल के अंदाज वो खंजर नहीं बदले। और ये शेर बड़ी तकलीफ के साथ कि उस शख्स की तलाश मुझे आज तलक है, उस शख्स की तलाश मुझे आज तलक है, जो शाह के दरबार में जाकर नहीं बदले। ये शाह जो है वो राजा के लिए है, ये अमित शाह वाला शाह नहीं है। उस शख्स की तलाश
मुझे आज तलक है जो शाह के दरबार में जाकर नहीं बदले। और गजल का आखिरी शेर कि कहते हैं लोग हमसे बदल जाओ ऐ शायर, कि कहते हैं लोग हमसे बदल जाओ ऐ शायर, पर हमने शायरी के ये तेवर नहीं बदले। वो दर्द वो बदहाली के मंजर नहीं बदले, बस्ती में अंधेरों से भरे घर नहीं बदले। जी धन्यवाद। बहुत बहुत ही खूबसूरत आपने गजल सुनाई और इतने गहरे भाव होते हैं, हम वहां तक तो सोच भी नहीं पाते जो आप गा के और चाहे दो पंक्तियों में सुना देते हैं सर। और ममता जी आप दोनों को ही सुनने का मन करता है, लेकिन करता रहता है, मतलब आप रहें और लगता है आप सुनाते रहें, लेकिन समय समय अपना काम करता है। तो सूर्य जैसा तेजस्वी, आकाश जितना विशाल हमारे भारत का इतिहास है, तो ये तो इतिहास है, इसे हमें हमेशा याद करते ही रहना चाहिए, तभी हम उससे जुड़े रहेंगे। जश्न आजादी के नाम पर आज की शाम आपने बहुत ही खूबसूरत बना दी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उन्होंने आपको सुना होगा और बहुत खुशी का अनुभव कर रहे होंगे। मनोज कृष्णन जी, आप से अनुरोध है कि कुछ आप अपने Thank you so much, Anita ji. Yeah, thank you so much. So first of all, I will extend heartfelt gratitude to our eminent guest today, Vajpayee sir and Mamta ji. It is always a treat to listen your soulful poetry. And special thanks to Anita ji for moderating today's session. I'd also like to specially thanks all our audience who were with us with last 45 minutes and they were giving such a nice comments. I really enjoyed not only listening your poetry but and ghazals, also the comments by them. So the recording of this session will be uploaded on our official YouTube channel very soon. Thanks again for your presence and participation. Jai Hind, Happy Independence Day. बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका आना हमारे लिए बहुत ही गर्व से भरा है। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। भारत माता की जय।